हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और डिफरेंस इक्वेशन में हमें यूएन की वैल्यू निकालना होता है। तो जैसे बचपन में हम एक्स ऐसी कुछ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू सेवन, सो ऐसे कुछ इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालते थे। तो डिफरेंस इक्वेशन में क्या होता है, एक्चुअली यूएन की वैल्यू निकाला जाता है यहाँ पर। तो डिफरेंस इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि होमोजीनियस, जिसकी ये कांस्टेंट पार्ट जीरो होता है, और एक हो सकता है एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जिसमें सपोज ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गया, ओके यू उसकी सफिक्स में एन है इक्वल्स टू सेवन, या फिर कोई फंक्शन सेवन एन स्क्वायर। सो ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंस इक्वेशन में। सो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं पहले, तो दो तीन फॉर्मूला है उसको हमें याद रखना होगा। जैसे कि डेल ऑफ यू एन की अगर डेल निकाले तो ये हो जाएगा यू एन प्लस वन माइनस ऑफ यू एन, ये एक हो गया। सेकेंड ई इक्वल्स टू वन प्लस डेल, थर्ड ई यू एन प्लस पी इक्वल्स टू ई टू द पावर पी यू एन। ये थ्री चीज आप लिख लो। इस थ्री फॉर्मूला से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं यहां पर। तो हम इसको ई ऑपरेटर कहते हैं। तो ई ऑपरेटर से हम इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर लेते हैं पहले। तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन आंसर। ये फॉर्मूला है हमारा, यूजिंग ई ऑपरेटर डिफाइन बाय और एक चीज मैं बता दूं यहां पर कि e ऑफ यू एन प्लस वन इक्वल्स टू हो जाता है यू एन, ओके। तो यू एन प्लस वन इक्वल्स यू एन हो जाता है। तो यूजिंग ई ऑपरेटर डिफाइन बाय, तो हम एक बार डिफाइन कर देते हैं कि e का मतलब होता है कि यू एन प्लस वन इक्वल्स टू यू एन। दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज कि देखो हम ई ऑपरेटर जो कि ऐसे डिफाइंड है, ई यू एन प्लस वन इक्वल्स टू यू एन ऐसे डिफाइंड है, तो इसको हम कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, तो यू एन की जगह पर हम लिखेंगे ई यू एन प्लस वन, यहां पर यू एन की जगह पर लिख सकते हैं ई यू एन प्लस वन। और अब जैसे कि मैंने कहा था कि यू एन प्लस टू को, अब देखो यहां पर ई यू एन प्लस पी को ई टू दी पावर पी यू एन लिख सकते हैं, तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर यू एन, ओके। इस फॉर्मूला को हमने यूज किया है। तो दोनों साइड से सो गाइस इसको हम ऐसे ही रख देते हैं यहां पर। सो अगेन हम करते हैं एक बार कि यहां पर जो भी यू एन वाला टर्म है उसे हम चेंज नहीं करेंगे। अगर यहां पर यू एन प्लस वन होता तो उसे हम चेंज करते, तो यू एन को यहां पर रख देंगे और यू एन प्लस टू इसको हम स्क्वायर से लिख लेंगे यू एन। सो यू एन प्लस टू, क्योंकि ई ऑफ यू एन प्लस पी को हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर पी यू एन, तो यू एन प्लस टू को e टू दी पावर टू यू एन से हम लिख सकते हैं, और यहां पर रख देते हैं फोर यू एन इक्वल्स टू जीरो, ओके। अब देखो हम यहां से यू एन को कॉमन ले सकते हैं, तो ई स्क्वायर माइनस फोर इंटू यू एन इक्वल्स टू हो गया जीरो, ओके। तो इसे एक नाम दे देते हैं वन, ओके। नाउ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो यहां पर अब जब यू एन को छोड़कर ब्रैकेट के अंदर जो भी है, अगर हम ई के जगह पर कुछ रख दे जैसे कि टी स्क्वायर माइनस फोर
इक्वल्स टू अगर हम जीरो कर दे तो हमें दो रूट मिलेगा, तो जो भी पार्ट ये ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर माइनस फोर अभी है, तो वहां पर ई की जगह पर हम टी एम कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल, तो टी रख दिया मैंने, तो टी स्क्वायर माइनस फोर आ गया यहाँ पर इक्वल्स टू जीरो करके दो रूट मिलेगा हमें, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये आर क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो होगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, सो टी इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस टू, तो यहाँ पर इस इक्वेशन का दो रूट क्या क्या आ गया है, प्लस टू और माइनस टू, टू और माइनस टू, सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, तो इस हमें दो रूट मिल गया यहाँ पर, तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक कांस्टेंट पार्ट इज, तो यहाँ पर लिख देते हैं यू एन इक्वल्स टू क्या आ गया, दो एक ये जो एक कांस्टेंट लेंगे हम कोई भी नाम दे देते हैं ए कांस्टेंट इनटू पहला रूट उसके ऊपर पावर में एन प्लस सेकेंड रूट और बी सेकेंड कांस्टेंट बी इनटू माइनस टू के ऊपर एन, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू टू टू दिवर एन और यहाँ पर बी माइनस टू टू दिवर एन, तो ये हमारा आ गया है जनरल सोल्यूशन, तो अगर दो रूट ऐसे आपका निकल के आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हो ए इंटू टू दिवर एन एंड प्लस बी इंटू सेकेंड जो रूट आगा उसके ऊपर एन, ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन। अब अगर दो कॉन्डिशन दिया हुआ है यहाँ पर, सो सपोज यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है कि देखो u1 इक्वल्स टू हाफ होगा और u2 इक्वल्स टू वन होगा, ओके ये कंडीशन दिया हुआ है, तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया है, आप u1 मतलब n की जगह पर हम 1 रखेंगे इस वाली इक्वेशन पे, तो हमें क्या मिलेगा, n की जगह पर 1 मतलब यहाँ पर और यहाँ पर भी, तो u1 इक्वल्स टू क्या होगा, u1 इक्वल्स टू होगा a इंटू टू टू दिवर वन प्लस b माइनस टू टू दिवर वन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू वन हो जाएगा टू ए माइनस टू बी, तो इसे एक नाम दे देते हैं थ्री टू, तो ये हो जाएगा टू थ्री हो गया ये, और एक चीज़ हमें बताया गया है कि यू टू का वैल्यू वन है, तो यू टू का भी वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, यू टू अगर एन की जगह पर टू रखेंगे यहाँ पर भी तो ये हो जाएगा ए इंटू टू टू दिवर टू प्लस पी माइनस टू के ऊपर टू, तो यू टू की वैल्यू हम पर आ जाता है फोर ए प्लस टू इंटू टू, सो फोर बी, फोर बी, आप देखो यू वन की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यू वन की वैल्यू है हाफ वन बाई टू और यहाँ पर यू टू की वैल्यू है वन, तो ये दो इक्वेशन से हम एक ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल ए और बी है जिसे हम नहीं जानते और यहाँ पर भी ए और बी है, तो ये दो इक्वेशन अब फिर से मैं लिख लेता हूँ, टू ए माइनस टू बी, इसको टू बी इक्वल्स टू हाफ, ये एक इक्वेशन हो गया, और यहाँ पर फोर ए प्लस फोर बी इक्वल्स टू वन, ये एक दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद सम ए की वैल्यू एक आएगा और बी की भी वैल्यू एक आएगा इसको सॉल्व करके, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन था हमारा, यहाँ पर इस ए की जगह पर उस वैल्यू को रख देना है और बी की जगह पर उस वैल्यू को रख देना है इंटू टू टू दिवर एन, और यहाँ पर भी माइनस टू 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 दिवर माइनस टू टू दिवर एन होगा, और वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो है निकल के आ जाएगा। तो यार ये वीडियो बस इतना ही होगा, और इसके बाद मैं एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, और आगे जाके इस चैप्टर के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बहुत ही हार्ड वाला बहुत सारे क्वेश्चन जो हम बाद में करने वाले हैं। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नीचे आकर कमेंट भी कर देना कि अगर आपको ये समझ में आया है या नहीं, तो दो तीन क्वेश्चन आप कर लो अपनी किताब लेके, और इसके रिलेटेड मैं कुछ होम टास्क भी दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो दो तीन क्वेश्चन अगर करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आप अच्छे से समझ सकते हो उसको उसके बाद,
तो यार मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो पे कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।